वालेकुम फ्रेंड्स, तो क्या हाल चाल आप लोग, जैसे कि आप लोग जानते हो ट्रीजर ओपी वाईटी तो आ चुका है एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तो बाबा जी यहाँ पे देखो 1v8 करते हैं हम लोग फुल अपग्रेडेड स्क्वाड के ऊपर। यहाँ पे आप लोग चेक करने वाले हमारे सामने होता है ग्लेशियर का फुल स्क्वाड, तो इनके साथ चैलेंज देते हैं। जरा आप लोग सुनो चैलेंज कैसे हम लोग इनको चैलेंज देते हैं और चैलेंज कैसे इनका एक्सेप्ट करते हैं और इनको कैसे पिठा पिठाई करते हैं। तो लेट्स गो। अबे इधर आओ ग्लेशियर वालों, इधर आओ, इधर आओ, हाँ इधर खड़े होके इमोट करो। आई मेड द टॉप 3 जस्ट नाउ। इमोट करो ना, इमोट करो, कोई इमोट करो। आई मेड द टॉप 3 जस्ट इधर 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 मुझे देख के करो ना इधर। हाँ तुम मारोगे, तुम मारोगे, तुम लोग इमोट तो करो जरा। ओके यहाँ पे आप लोग सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे कि सारे बंदे इकट्ठे हो गए, बोल रहे थे मारोगे मारोगे, तो मैंने कहा जी है यहाँ क्यों नहीं मारूंगा। तो ये अपग्रेडेड स्क्वाड इधर ब्लॉमस्टर में ही घूम रहा होता है, सामने की तरफ एक बंदा होता है, मैं इसे स्प्रे देता हूँ। मुझे नहीं पता था कि यह स्प्रे मेरे ऊपर ही भारी पड़ने वाला है, तो ऐसे में बाबा जी यह स्प्रे बहुत भारी पड़ जाता है हमारे ऊपर। राइट हैंड में ऊपर पहाड़ी की तरफ भी एक बंदा होता है, तो मैं उसे भी स्प्रे देता हूँ। बस समझ लो कि अब आ गया हमारा टाइम बस इनके ऊपर 1v4 करने का। यहाँ पे जरा आप लोग 1v4 चेक। पूरे ब्लॉमस्टर को हर तरफ से बंदे घेर घेर चुके होते हैं, पीछे से भी एक बंदा आ चुका होता है जो इतना गंदा फ्री फायर दे रहा होता है। तो मैं जरा यहाँ पे होल्ड करके चेक करता हूँ, जल्दी से कमरे के अंदर भाग गया तो भाई साहब हाउस में, क्योंकि नहीं तो मेरी इधर पेटी बनने वाली थी। और मैं जल्दी से यहाँ पे 2 सेकंड होल्ड करता हूँ और इतनी देर में बंदे कर देते मेरे ऊपर रच। यहाँ पे जरा आप लोग चेक करो इन बंदों के ऊपर कैसे करते हैं हम लोग, मतलब 1v3 1v4। तो भाई साहब बंदा आ चुका है, एक नॉक, जल्दी से फिनिश करने की कोशिश करते हैं, एक शॉट देते हैं। तो लेट्स गो, रश कर देते हैं कि अभी से फिनिश भी कर दिया जाए। जैसे फिनिश कर तो ओ भाई साहब क्या ही गंदा फ्री फायर दे रहा है बंदा, ओ भाई साहब। तो जरा इस बंदे के काम चेक करो, इतने में एक और बंदा रश कर देता भाई साहब, अभी देखो जरा। अरे 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 किधर, क्या हो गया है ओ भाई साहब। अरे 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 1v3 हो गया। इस बंदे के साथ थोड़ा आल पे हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे आप लोग जरा चेक करो, बोलो ट्रीजर ओपी वाईटी पूरी धूम मचा देगा, तुम लोग का बाप है बाप। नजर आ गई मुझे इतना, मेरा तो यहाँ पे दिमाग खराब हो जाता है, अब करो तो क्या करो। यहाँ पे आप लोग चेक करने वाले हो कैसे इनके ऊपर 1v3 करते, बहुत ही मजा आता है। तो लेट्स गो, बंदा और भी यहाँ पे रश कर चुके थे, दो दो तीन तीन बंदे होते हैं। देखो जरा यहाँ पे फ्री फायर देखो इसका, ओ भाई साहब गंदा डैमेज देता है, वो डैमेज दिए जा रहा होता है फ्री फायर ऐसे खाली किए जा रहा होता है। मैं यहाँ पे हील कर लेता हूँ इतने में, तो कर देता है रश। अरे अरे खिड़की से रश क्यों कर रहे हो भाई, क्या हो गया बोट हो। ओ भाई साहब वो देखो फ्री फायर, इतना गंदा फ्री फायर। मैं जल्दी से पीछे भागता और मैं चला जाता हूँ दूसरे हाउस में, क्योंकि अभी बस उधर तो मेरी पेटी बनने वाली थी, कोई एंगल नहीं था मुझे वहाँ पे मारने का, तो इसलिए मैं ऊपर आ गया। इधर फटक रहा था, हाथ कांप रहे थे और जल्दी में मेरी देर आके और मेरे हाथ देखो कितने कांप रहे, स्कोप भी नहीं कंट्रोल हुआ जा रहा हो भाई साहब। जरा यहाँ पे आप लोग चेक करो, मैं जरा होल्ड करता हूँ, इतने में बंदा रश, ओ भाई साहब फिनिश करता तो इसका बंदा भाग जाता नीचे की तरफ, डर जाता है कभी मेरा भी पेटी बनने वाला है। 2 फिनिश हो चुके होते हैं और लास्ट नीचे होता है और इनका एक और बंदा जो पीछे रिकॉल की तरफ, ओ भाई साहब इतना स्प्रे देता हूँ कि ये कैसे बच जाता है। यहाँ पे आप लोग स्प्रे चेक करो, अरे भाई भाई मर भी जा, मरेगा कब, 1 HP से भी यह कम होगा शायद जहाँ तक मुझे लगता है। थोड़ा सा मैं फ्री फायर देता हूँ लेकिन नहीं, इतनी देर में जून स्टार्ट हो जाता है और ये बंदा ऊपर की तरफ कर देता है नीचे वाला रश और ये भाग जाता है रिकॉल के ऊपर। कोई बात नहीं, खैर है मैं सोचता हूँ क्यों ना अब इसको रिकॉल ही करने दो, दोबारा आएंगे दोबारा फाइट लेंगे। तो मेरे पास पंप होता है तो आप लोगों को तो पता ही होगा पंप की क्या वैल्यू होती है। इतने भाई बंदा रश कर देता है, एक ही शॉट लगता है। मैं इसे हॉल पे बात करता हूँ, यहाँ पे आप लोग चेक करो वो जा रहा है, ठीक है रिकॉल हो जाओ फिर आ जाओ फिर आ जाओ, ठीक है रिकॉल हो जाओ फिर आ जाओ, ओके आ जाओ फिर आ जाओ रिकॉल ओके। फिर जून स्टार्ट हो चुका होता है और मैं हील कर रहा होता हूँ, जून इतना तेज खा रहा होता है और इतने में बंदा भाई सब ऊपर एक और लैंड कर देते हैं इनका रिकॉल होके। तो इसके साथ काफी देर तक फाइट चलती रहती है, मैं थोड़ा सा स्किप करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। काफी सारा टाइम गुजर चुका होता है और ये बंदा बस ऊपर नॉक हुआ पड़ा होता है, नीचे की तरफ इसके पास हील नहीं होती क्योंकि जून तेज होता है, हील होती नहीं है और ये नॉक हो जाता है। इतने में मैं इसे फिनिश करता हूँ और यहाँ से मैं चलता बंदा स्टार्ट करते हैं दूसरा मैच। मेरी स्ट्रीम में सामने की तरफ बंदा होता है,
मैं थोड़ा सा टैप टैप देता हूँ ताकि इसको पता चल जाए कि मैं आ चुका हूँ इधर। और इतने में जैसे मैं जा रहा हूँ तो अंदर, ओ भाई साहब यहाँ पे जरा चेक करो, वो भी आ चुका होता है सामने की तरफ कि भाई अब मतलब बहुत ही एनर्जी होती है उसके अंदर। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे मॉली निकालता हूँ कि मैं इसके ऊपर मॉली करूँ, लेकिन नहीं सार जी, ये तो दो तीन बंदे होते हैं एक साथ राज कर रहे होते, तो मैं पीछे भाग देता हूँ थोड़ा सा कि अब कोई एंगल ढूंढ के इनको मारेंगे। यहाँ पे आ चुका हूँ तो इनको पता भी होता है मेरा फुट स्टेप आ रहा होता है इनको शायद, ये एमी पता नहीं अब क्या बोलूँ, आ रहा है या नहीं आ रहा मुझे नहीं पता होता। तो मुझे फुट स्टेप आता है कि बंदा ऊपर है, तो मैं जल्दी से यहाँ पे इसको नॉक देता हूँ। ओ भाई साहब एक और बंदा राइट से रश कर देता है, ये भी नॉक, और बचा होता है इनका सिर्फ लास्ट बंदा इधर। ऐसे में निकलता हूँ मॉली और मॉली बाबा जी करता हूँ तो बंदा फिनिश होता है, लेकिन बंदा नॉक नहीं होता क्योंकि वो बोट मार रहा था, पीछे चला जाता है मॉली से, नहीं तो ये फिनिश हो जाना था। रश कर देता है भाई साहब फिर चल जाता है, 1v3 हो चुका होता है। और मैं सोचता हूँ अब थोड़ा सा टाइम आ गया इनके साथ पंगे फूसी करने वाला तो यहाँ पे सर आप लोग चेक करो, एक बंदे को मैं यहाँ पे फिस्ट कराता हूँ थोड़ा सा मज़े लेने के लिए। जैसे ही फिस्ट कराता हूँ उसके बाद मेरे साथ फिस्ट हो जाता है और काम हो जाता है तमाम। फिस्ट करा के बैठा तो आराम से, यहाँ पे बंदे एक साथ तीन तीन लैंड होते हैं। यहाँ पे ज़रा चेक करो, समझ नहीं आती मेरा यहाँ पे स्प्रे थोड़ा बहुत बुरा हो जाता है, मुझे कोई पता नहीं यहाँ पे मुझे फिस्ट होता है और यहाँ पे हो जाते हैं हम लोग को फिनिश। तो बाबा जी आज की वीडियो यहाँ तक थी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले देना इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, लव यू।